नमस्कार, स्वराज्य भारत देख रहे हैं आप और मैं सत्यम मिश्रा। मुहिम चली थी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की, लेकिन ये मामला अब राजनीतिक हो गया है। मामला तब शुरू होता है जब बिहार से कुछ पुलिस वाले मुंबई जांच करने जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उनको वहां पे क्वारंटीन कर देती है। सुशांत सिंह राजपूत केस में दिन पर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, कभी आत्महत्या, कभी हत्या, कभी मानसिक बीमारियां, तो कभी ड्रग्स का चक्कर। 14 जून को खबर आती है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। फिर मुंबई पुलिस जांच के लिए उनके घर जाती है, सबूतों से छेड़छाड़ करती है और सबूतों को गायब तक कर देती है। 24 जून को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में यह बताया गया कि शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं है, मौत का कारण दम घुटना बताया गया। फिर शुरू हुआ लोगों से पूछताछ का दौर, बड़े बड़े लोगों से पूछताछ हुई। 23 जुलाई को कंगना रनावत ने बॉलीवुड में भाई भतीजावाद का मुद्दा उछाल दिया। बहुत जद्दोजहद के बाद मामला सीबीआई को दिया जाता है। ईडी और नारकोटिक्स ब्यूरो ने जांच में ड्रग्स का भी खेल पाया। आरोपियों से कई घंटों तक पूछताछ भी हुई और कल 8 सितंबर को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे प्रकरण के दौरान कंगना रनावत ने महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड को अपने तीखे सवालों से हिला दिया। बौखलाई सरकार के कुछ नुमाइंदों ने कंगना रनौत को धमकी दी, तुम्हारा जबड़ा तोड़ देंगे, तुमको मुंबई में घुसने नहीं देंगे। उसके तुरंत बाद कंगना रनौत ने सरकार को चुनौती दे दी, कहा कि मैं 9 तारीख को आ रही हूँ, जो करना होगा कर लें। जिसके बाद गृह मंत्रालय से कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई। वहीं दूसरी ओर बीएमसी ने कंगना रनौत का दफ्तर अवैध बताकर गिरा दिया। इस राजनीतिक उठापटक में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने का मामला खोसा गया है। आखिर सवाल साफ है, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कब मिलेगा? क्या बीएमसी को अब याद आया कि कंगना रनावत का दफ्तर अवैध है? क्या मुंबई में जितनी भी अवैध बिल्डिंगें हैं, क्या बीएमसी उनको गिराएगी? देख रहे हैं स्वराज्य भारत। ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।